बारी बरसी खटन गया सी रूहां खट ले आया, बारी बरसी खटन गया सी रूहां खट ले आया। साधु यीशु ने देखे खून बताया, साधु यीशु ने देखे खून बताया, साधु यीशु ने देखे खून बताया। यीशु आज गया फेरा पाज गया, यीशु आज गया फेरा पाज गया, दीवा दिल विच प्यार दा जगा ही गया, दीवा दिल विच प्यार दा जगा ही गया। दौद वांगू जी नच नच के, यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में ये किया करो। यीशु ने कहा तुम जमा होके मेरी याद में किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो मुझे पिया करो। दूंगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम जिया करो। दूंगा मैं हर खुशी ऐ बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में। मैनू हारमोनीयम नहीं बजाना आता, पर हारमोनीयम तो बगैर मैं बिना हारमोनीयम तो यह सारिया कंपोजिशन करदा। ये परमेश्वर की वड्डी ब्लैसिंग या ग्रेस है मेरे वास्ते कि परमेश्वर ने मैनू यह जी समझ दी है कि कंपोजिशन किदा करनी है। पंजाबी कलम की गल करिए पंजाबी कलमों के बहुत सारिया रचनावान रचिया जाने ने, भावें पंजाबी गीत हो, सभ्याचार गीत हो, धार्मिक गीत हो, किसी तरह नूं सुनेह दिंदे हुए गीत हो, पर कुछ गीत यहोजे होंगे ने दिलों से राज करते हैं। यहोजी एक कलम यहोजा एक शख्सियत मैं तुहानूं तुहाडे रूबरू करन जा रहा हाँ, जिदे गीतां दे नाल जिदे सोंग दे नाल जदों उह स्टेज ते गाए जांदे ने, जदों खंबड़ा चर्च दे विच जदों आराधना हुंदी है तां जिहड़े उत्थे दे गायक ने गाउंदे ने जदों गीत, ते पूरी जिहड़ी कलीसिया है उह भर जांदी है, उहनां दे विच इक रूह भर जांदी, इक आत्मा भर जांदी है। सो उह गायक उह गीतकार जिहने आपां दी जिंदगी बारे जानना आ, सुखजिंदर उर्फ सुख भागोवाल जिहदे गीत एक नहीं अनेकां गीतां ने क्रिश्चन भाईचारे दे विच उह रूह भरी है। अंदर सुख मेरे नाल ने। सो सुखजिंदर भाजी सब तो पहला तुहानूं पंजाब नेशन टीवी वालों बहुत बहुत निघी जीआं आ भाजी। जैमसी ब्रदर जी। अच्छा सुख जी, सब तो पहला जिंदगी दे फलसफे की आपां गल करांगे, जिंदगी दा तुहाडा फलसफा की है, बचपन दी हंडाया किवें हंडाया, किद्दां तुहाडा बचपन गुजरिया, पहला आपां अपने दर्शकां नाल जाणांगे तुहाडा। देखो जी, बचपन तो आम ही जिवें सब दा बचपन गुजरदा वा, इदां ही मतलब कि आम बचपन सीगा। तो मैं पहले इत्थां पंजाबी स्कूल दे विच पढ़े, उत्तों आही स्कूल जिथे आपां गल करदे पे इस स्कूल दे विच आपां मतलब कि पढ़े। उत्तों बाद फिर मैं अपना है ना रोटी कमाउन दे चक्कर दे विच कि आपां काम सीखना भी शुरू कीता, काम भी चलो कीता मैं, मेरा काम अलमारी मेकर दा काम है। ते उहदे नाल नाल मैं मैनू गाउन दी भी मन दे विच गल सी कि मैं गावां, मैनू गाउणा वधिया लगदा सी, लिखणा वधिया लगदा सी, फिर मैं गाउंदा भी रहा पंजाबी गीत। फिर मैं सिखिया इन्हां तों मेरे उस्ताद विनोद शायर जी, उन्हां पंजाबी सौंग काफ़ी पंजाबी सौंग उन्होंने लिखे, उन्हां दे आए आ पंजाबी सौंग, ते उन्हां तों फिर मैं लिखना सिखिया। ते उत्तों लिख के बाद विच मेरे पंजाबी सौंग काफ़ी सिंगरां ने गाए भी, उत्तों बाद फिर पंजाबी सिंगरां ने गाए, फिर परमेश्वर ने मैं अपनी मेरी कोई प्रॉब्लम दे विच है ना पै गया, मैं कले नशे करन लग पिया। उत्तों बाद मैं बीमार होया, बीमार होने तो बाद मैनू किसी ने परमेश्वर के बारे दसिया, तो फिर मैं
परमेश्वर नूं जाणिया ते परमेश्वर ने मैनूं इस पंजाबी गीत लिखण तों मतलब कि बंद किया कि सुख जी जिवें तुसीं दस्सिया कि तुसीं गलत संगत च पै गए सी तुहानूं परमेश्वर वल्लों एक सुनेहा मिलिया तुसीं उस चीज़ छड्डी ते तुसीं मसीह भाईचारे च आए हो गल मसीह भाईचारे दे विच जदों गीत लिखने शुरू किए मसीह भाईचारे दे पहला तां असीं चाहुंदे हां कि जिहड़े तुहाडे गीत हिट ने जदों खंबड़ा चर्च दे विच जदों गीत गुणगुणाए जांदे ने पूरी कलीसिया नचदी है एक एक नवीं रूह भरी जांदी है उहनां गीतां राहीं सो गीत किहड़े पहला तां उह सानूं जरूर गा के सुणाओ अच्छा गीत तो जिमें पहला मेरा गीत होया सीगा जी रोबर ब्रदर ने गाया सीगा क्रूसेड दे उत्ते प्रेरित अंकुर नुरला जी का क्रूसेड ही इत्थे धारीवाल सॉरी गुरदासपुर उत्थे उन्होंने मेरा गीत गाया सीगा जी मेरे यीशु का मसा वो भी काफ़ी परमेश्वर ने ब्लैस किया उस सोंग नू उस तो बाद मेरा गीत जी दौद वांगू जी नच नच के पूरा आपां सरगम च गा अच्छा गा के दसना चलो मैं तैनू गा के दस दा मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का दे देता है शिफा मसा यीशु का दे देता है शिफा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना बंधन टूटते देर लगे ना कैदी छूटते देर लगे ना कर देता है रिहा मसा यीशु का कर देता है रिहा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा यीशु का ये मेरा पहला गीत होया जी मसीह क्रिश्चन सॉन्ग तो एक सवाल है कि अपना तुरदे चलते ना गलबात करते हैं कि यीशु मसीह के जिहड़े तुसीं प्रभु के गाने गाए लिखे इस तो पहला तुसीं सभ्याचार दे नाल पंजाबी सभ्याचार दे विच कि गीत दिते कि सिंगरां ने तुहाडे गीतां नूं गाया आपां इह वी साडे दर्शक इह वी जानना चाहुंदे कि जिवें पता लगा कि तुसीं इस तो पहला सभ्याचार नूं टच गीत भी गाउंदे लिखदे सीगे ते कि सिंगर ने गाए ते खास तौर ते फेमस हिट गीत किहड़ा तुहाडा रहा मेरे गीत पहला सोंग जरा मेरा होया वो सुरिंदरजीत मकसूदपुरी जी ने गाया सीगा जी लैन दे वो सैड सोंग सीगा उस तो बाद उन्होंने एक होर सोंग गाया सीगा फिर उहदे तो बाद रणजीत राणा जी ने मेरे दो सोंग गाए जिहदे विचों जरा जी लैन दे सोंग सुरिंदरजीत मकसूदपुरी जी ने गाया वह भी काफ़ी हिट होया जी उस तो बाद सुरिंदरजीत मकसूद उन्हें सॉरी उधर ने रणजीत राणे ने गाया सोंग रणजीत राणे ने जरा सोंग गाया वो मेरा सोंग सीगा कि सानू तो चंगा लगे तू उस तो बाद फिर एक रणजीत राणे ने सोंग गाया वो सीगा कि मेरा दिल मेरी जान ये गीत जड़े आ वो ये भी जरा अपना कहते सुर दे विच गा के सुनाओ किवें जरा सुरां च पुराया गीत नूं अच्छा जी वह भी मैं तुम सुना सोंग सी जरा जरा पंजाबी सोंग पहला मेरा आया सीगा वो तो सैड सीगा वह मैं गाँवदा तो नहीं हाँ चलो वैसे चलो जरा सैड सोंग मैं गाँवदा नहीं क्योंकि मैं पता वो गाने जेडे ना वो मेरी ब्लैसिंग जी घटा वा क्योंकि सैड सैड गीत दे विच तुहानूं पता थोड़े सरापित सोंग होंदे आ मैं अपनी जबान दे उत्ते नहीं लैके आना चाहुंदा रोमांटिक सोंग जिहड़ा मेरा रणजीत राणे ब्रदर ने गाया सीगा वो मैं तुहानूं सुना के सुनाउणा थोड़ा जिहा जिस दिन दा प्यार हो गया अखियां नूं सौणा भुलिया इक तेरे बाजों सजना सानू ते जौणा भुलिया वसदा ऐ मेरे लूलू होर भावें लखां सोने ने सानू ते चंगा लगे तू होर भावें लखां सोने ने सानू ते चंगा लगे तू ये मेरा पहला सोंग गाया ही रणजीत राणे ब्रदर ने उन्होंने बाद विच एक मेरा होर सोंग गाया कि सोंग सीगा कि मेरा दिल मेरी जान उस तो बाद मेरे काफ़ी सिंगर ने गीत गाए आ सैड भी बीट सोंग भी मेरे गाए तो बीट सोंग कितना नहीं गाया
बीट सोंग मेरे गाए है इन्होंने गुरमीत गैरी जिदा मतलब कि उन्होंने शॉर्ट नेम उन्होंने रखे अपना जी गैरी उन्होंने मेरे एक बीट सोंग भी गाया एक भी गाया दूजा सैड भी गाए फिर उन्होंने मैं संदीप सिप्पी मुंडा उन्हें भी मेरे एक एक बीट सोंग एक सैड सोंग गाया तो काफ़ी सोंग मेरे जाने कि इदा आए है मैं उन्होंने गुण गुणा नहीं क्योंकि परमेश्वर ने मैनू अजी मनाही की थी है तो मैं नहीं सुना क्योंकि परमेश्वर ने कहा सुनाने भी नहीं है गाने भी नहीं है तो देने भी नहीं नहीं सुख जी पर एक गल भी है कि जिस शहर तुसी रहने हो जिहड़ा शहर तुहाडा बटाला शहर है एक उस फेमस राइटर का पिंड है शिव कुमार बटालवी जी तो एक दुनिया चप्पे चप्पे ते जांदे जिन्हें जोबन रुते मरना और जोबन रुते ही मरिया उहदे गीतां दी गल करिए तो गीतां दे विच सोजिश हुंदी सी कि सुणदे सी अज भी जे उहदे गीतां नूं सुणीए तां बड़ा आनंद आउंदा क्योंकि उसने जो लिखिया जिंदगी दा सच लिखिया तुसी उस पिंड नाल उस शहर नाल तालुका तुहाडा तुसी उस पिंड ते जन्मे हो उत्थों सिख्या बहुत कुछ ग्रहण कीता ठीक है तुसी सैड सोंग भी गाए लिखे बीट्स भी गाए होर थ्रिल सोंग्स भी गाए उस तो अलावा जो तुम सूफियाना विच आए जो प्रभु विच आए या तो प्रभु ने तुम्हें एक ब्लैसेज दी आवाज़ दी कि नहीं या तू छड़ सारा कुछ कुछ इदा दे लिख उदा के अल्फाज फिर मन में आए कि मैं प्रभु लिया चीज़ा लिखा मैं प्रभु किमें ब्लैसेज लवा देखो जी प्रभु मैं जिन्ने प्रभु के सोंग लिखे आ मैं कभी सोच के नहीं लिखे मैं जदों जदों मैं तुरदा फिरदा है ना जाना वा जा बाइक ते जाना जा किद्दां भी जाना वा वह परमेश्वर मैनू ऐटोमैटिकली मेरे दिमाग दे विच वह चीज़ां पाउंदा मेरी स्पिरिट दे विच वह चीज़ां ऐटोमैटिकली आउंदियां वा कि मैं है ना परमेश्वर मैनू दसदे आ कि आ बेस दे उत्ते सोंग लिखो फिर मैं है ना जिवें काफ़ी सोंग जिहड़े आ वह मतलब कि जिमें सूखी हड्डी हो ये मैं कोई सोच के सोंग नहीं लिखा ये इदा तुरद्या जाए मैं सोंग परमिशन ने दते है दौ दवांगू जी नच नच के है ना ये सोंग जिन्ने भी सोंग परमिशन ने मैं दते है मैं कभी सोच के सोंग नहीं लिखे मैं चाहता सारे आप सोंग जिन्हें तुम सूखी हड्डी हो दौद वांगू नच नच के होर भी जोड़े खास तौर पर गिलदीप एक बॉलीवुड का गायक से जिन्हों प्रभु ने एड्डी ब्लैसेज दी कि अज वह आराधना करता है पुलपट पर गाँव आ तो लोग नचते ने कलीसिया नचती है खुद आप पास्टर अंकल नरूला जी खुद आप नचते ने नचन का कारण कि गीतों के भरया हों इदा का की थ्रिल है कि लोग जोड़े अपने आप पैर चुप जिन्होंने नहीं भी नचना वह भी नचता है देखो जी एक होंगे गीत एक होंगे गीत वो सिर्फ गीत ही होंगे एक जिहड़ी परमेश्वर वल्लों दित्ती गई चीज़ हुंदी है ना वो गीत कल्ले नहीं हुंदे वो मिक्स गीत हुंदे आ उन्हां दे विच सामर्थ मिक्स हुंदी आ वो परमेश्वर की मर्जी उहदे विच मिक्स हुंदी आ इह जिहड़े गीत परमेश्वर मैनू दिंदा ना ये गीत मेरी मर्जी दे गीत नहीं आ ये परमेश्वर की मर्जी दे गीत आ इस करके परमेश्वर की सामर्थ उन्हां गीतां विच मिक्स हुंदी आ ते जिहड़ी लोकां नू डिलीवर भी करदी आ जिहड़ी लोकां नू नचण ते भी मजबूर करदी आ जिहड़ी लोकां नू आजाद भी करदी आ उन्हां दे बंधनां तों भी आजाद करदी आ बीमारियां तों भी आजाद करदी आ ते परमेश्वर वेखो जिहड़ी चीज़ परमेश्वर ने दित्ती आ उहदे विच शांति हुंदी आ जदों वो लोग नचदे आ जदों वो वर्शिपर गाउंदे आ ते हर एक शांति नू प्राप्त करदा वा ते इस करके वो चीज़ आपां कल्ला गीत मन के नहीं आपां लै सकदे वो गीत दे विच सामर्थ मिक्स हुंदी आ परमेश्वर दे जबूर कह सकदे वो गीत कह सकदे हाँ जी प्लीज़ वो फिर आप चाहते भी साडी ऑडियंस नू साडे दर्शकां नू वो गीत जरूर सारे सुनाओ जिहड़े एक एक स्थाई तंत्रा जरूर सुनाओ स्थाई सुना क्योंकि गीत ज्यादा ज्यादा गीत है स्थाई अंतरा सुनावे थोड़ा है ना समा लंबा हो जाता वह गीत मैं तुम्हें सुना जी जे गिल दी ब्रदर ने मेरा सोंग गाया सी जी दौद वांगू जी नच नच के दौद वांगू जी नच नच के यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे दौद वांगू जी नच नच के दौद वांगू जी नच नच के ये मेरा गीत ब्रदर जी ने पहला सॉन्ग गाया सी उस तो बाद उन्होंने काफ़ी गीत गाए आ मैं तुम फेमस जे ज़्यादा हाँ मैं तुम हाँ देखो जी मैं तुम सुनना वह गीत आ कि एक प्रभु भोजदा परमेश्वर ने सोंग दिता सी कि यीशु ने कहा तुम जमा हो के मेरी याद में ये किया करो
यीशु ने कहा तुम जमा हो के मेरी याद में ये किया करो, मुझ में जिंदगी है तेरे लिए, मुझे खाया करो मुझे पिया करो। मैं जो तेरी जिंदगी में आऊँगा सब कमियाँ गमियाँ मिटाऊँगा, मैं जो तेरी जिंदगी में आऊँगा सब कमियाँ गमियाँ मिटाऊँगा, तुझको उठा के खड़ा मैं करूँगा, उठा के तुझे गले से लगाऊँगा, दूँगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम जिया करो, दूँगा मैं हर खुशी होठों पे हंसी, मुझसी जिंदगी तुम जिया करो। यीशु ने कहा तुम जमा हो के मेरी याद में ये किया करो। ते इस तो अलावा होर एक सुखी हड्डियों तो बड़ा पमाओ गीत दे अल्फाज या पर एक स्नेहा आया है, एक इंसान नु स्नेहा आया कि तू प्रभु ते जाएगा ते जिहड़ियां सुखियां हड्डियां है वह भी हरियां हो जांदियां, हरियावल पै जांदी है। प्लीज वह गीत भी जरूर। मेरे सोंग जिन्ने सोंग है ना यह सारे बिबलीकली सोंग है, ये बाइबल दे सारे वचन आ, ये सोंग नहीं आ, बाइबल दे सारे वचन आ जो मैं है ना परमेश्वर मैनू दिंदा वा गुनगुनाउण दे वास्ते गाउण दे वास्ते कि लोग है ना गाउण ते आजाद होण। ये सारे वचन आ जिहड़े मैं जिन्ने मेरे सोंग है सारिआं दे विच सुणाउणा तुहानूं सोंग। सुखी हड्डियो जी उठो यीशु के नाम में, सुखी हड्डियो जी उठो यीशु के नाम में, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में है चंगाई, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है, ए बीमारियो लाचारियो छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सुखी हड्डियो जी उठो यीशु के नाम में। अच्छा सुख जी जदों गीत लिखते हो तुम ये प्रभु की सामर्थ वाले गीत लिखते हो तो कोई समा भी होंगे कि टाइम कई बार इदा का बिजी शड्यूल होंगे उधरों प्रभु वालों इदा का बच आ जाता कि नहीं यार अगर लिखना फिर वो शड्यूल किमें टाइम अप करते हो? मैं ना अपने फोन दे विच ओ जो कंपोजिशन परमेश्वर देंदे आ जो लफज परमेश्वर देंदे आ मैं अपने फोन दे विच उस टाइम रिकॉर्ड कर लैना, तो जदों शाम नू मैं बहना वा फ्रैश होकर जिदा जदों अपने है ना काम तो शॉप तो आना वा उस बाद फिर मैं प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करने तो बाद जो सारे सो जाते लेट जाते जो सारे सो जाते फिर मैं कला जागदा वा उन्हां गीतां नू लिखण दे वास्ते, तो मैं काफ़ी देर उन्हां तो बाद जागदा वा लिखदा वा, तो दो भी बज जाते तीन भी बज जाते चलो परमेश्वर जब तक चाहते हैं कि मैं परमेश्वर के नाल अपना टाइम स्पेंड करदा तो परमेश्वर मैं ब्लैस करते हैं इस चीज़ के वास्ते। अच्छा एक होर भी है कि लिखना बड़ी एक गल लिख लेना लेकिन वह संगीतिक रूप से देना उन्हों कह सकते हैं भी म्यूजिक दे विच देना कंपोजिशन देनी बहुत बड़ी गल है क्योंकि किमें उन्हों कंपोज करते हो आप ही करते हो या कोई किसी को हेल्प लेंगे हो? देखो जी मैं किसी तो गाना सीखा नहीं हाँ, मैं लिखना जरूर सीखा मैं तुम दस्या उस्ताद जी उन्होंने, तो जरा लिख जरा गाना वा ना ये मैनू गॉड गिफ्ट है, परमेश्वर ने मैनू गिफ्ट दिता गाउन का कंपोजिशन करन का, ये जरा मैनू हारमोनीयम नहीं बजाना आता पर हारमोनीयम तो बगैर मैं बिना हारमोनीयम तो ये सारिया कंपोजिशन करदा वा, ये परमेश्वर की वड्डी ब्लैसिंग है ग्रेस है मेरे वास्ते कि परमेश्वर ने मैनू ये जी समझ दिती है कि कंपोजिशन किदा करनी है, मैं खुद कंपोजिशन नहीं करता ना ही मेरा कोई जोर लगता कंपोजिशन से कि मैं है ना बह जा तो मैं उन्होंने रट्टे मारा तो फिर कंपोजिशन ना इदा नहीं, मैनू जे जदों परमेश्वर लफज दिता वा नाल ही मैनू कंपोजिशन विद कंपोजिशन परमेश्वर मैनू नाल ही देंदे आ। हाँ जी तो एक होर है भी जो तुम लिख लेंगे हो कंपोजिशन भी तैयार होंगी है फिर हों भी मैं गीत जोड़ा किसी आर्टिस्ट दें जो प्रभु दे
उन्हां दे गावे उन्हां दे कलीसे दे विच पता लगे भी गाणा चल रहा है रुकां रू जिवें पहलां रूप दे विच उह सामर्थ आ जाए जिहड़ा नहीं भी नचना जाणदा उह भी फिर झूम के झूम झूम के रूह दे विच नचदा आ। तो फिर पहला किसी सुनाने हो भाई हाँ मैं लिखा आ देखो कि नहीं मैं इस चीज़ के वास्ते मेरी आदत आ कि मैं जो सौग लिखदा तो बाद मैं प्रार्थना करदा परमेश्वर दे कि मैं परमेश्वर किनू देव मैं किसी के कहन देते जा किसी के मंगन देते कभी किसी को सौग नहीं दिता जो मैं परमेश्वर कहते हैं कि इनू सौग देना तो फिर मैं वो सौग उन्होंने ही दिना वा अदरवाइज मैं किसी इदा सौग नहीं दिता जा है ना कि मैनू जे कोई कहे कि मैनू ये सौग चाहिए इदा नहीं सौग होंगे सौग मैं परमेश्वर पूछदा वा जे मैं परमेश्वर कहता कि हाँ इनू सौग तुसी मनोगे इदा दे भी वर्शिपर है जिन्होंने परमेश्वर ने जिन्हों के बारे परमेश्वर ने मैनू कहा वा मैं चलो उन्होंने नाँ नहीं लेना चाहता परमेश्वर ने मैनू कहा कि उन्होंने सौग तू सुनाने भी नहीं है हूँ वो परमेश्वर की मर्जी है पता नहीं कदों परमेश्वर कहे कि उन्होंने सुना दे फिर मैं सुनाऊँगा भी। हाँ जी सुख जी जिमें आप दसिया कि मैं गीत किसी को दिता नहीं क्योंकि जो मैं लिखता जो मैं प्रभु वालों उन्हों की ब्लैस होंगी है जो उन्होंने भी कहें हाँ क्योंकि जो आत्मा वो आती है तो आत्मा वो आप ही फिर जो कहता करवा देंगे जो कहना होंगे करते हैं। तो गिलदीप की तुम गल की है बॉलीवुड में जिम्मे दस बहुत अच्छा फनकार है जिसकी वोकल है बहुत 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 मिठी आवाज़ का मालिक है तुम उन्होंने जोड़े दिते ने सौग जो चर्च के जो भी आराधना चलती है तो वह गीतों में तुम्हारे होर कि गीत है मैं सारे गीत सुनने चाहता हाँ। अच्छा जी एक मेरे चलो परमेश्वर ने सब गीतों ब्लैसिंग दी है मेरे जिन्हें गीत आए हैं जिमें मेरा एक सौग स धन्यवाद 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 यशो जी इनू परमेश्वर ने काफ़ी है ना फेम दिता ब्लैसिंग दी परमेश्वर ने ब्लैस किया सौग में उस सौग आ कि धन्यवाद 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 यशो जी धन्यवाद 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 यशो जी मैनू बचाउण लई कोल बुलाउण लई मैनू बचाउण लई कोल बुलाउण लई धन्यवाद 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 यशो जी धन्यवाद 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 यशो जी बाप दे वांगू सानू प्यार दिखाया यशु वांगी उकाबा सानू अंबरी उड़ाया यशु उड़ना सिखाउण लई अंबरी उड़ाउण लई धन्यवाद 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 यशु जी धन्यवाद 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 यशु जी। एक सौग हो रहा जी मैं तुम दसदा वो ना डर ना घबरा मैंने तुझे मोल लिया है ना डर ना घबरा मैंने तुझे मोल लिया है देके लहू से शिफा मैंने तुझे मोल लिया है। की सौग है एक गिलदीप ब्रदर ने सौग मेरा गाया वा बहुत परमेश्वर ने ब्लैस किया सौग ते बहुत है ना जिदा बहुत फेम होया आम लोगों ने जिहड़े प्रभु नूं नहीं जानते उन्होंने भी सुनिया बहुत पसंद किया उस सौग नूं वो सौग या मैं तुहानूं वो सौग जरूर सुनावांगा क्योंकि वो सौग बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने ब्लैस किया उस सौग नूं मैं तुहानूं सुनाउंदा। यीशु तेरी हमद करां यीशु तेरी हमद करां यीशु तेरी हमद करां यीशु तेरी हमद करां चलते फिरते हर रास्ते लेटते उठते बैठते चलते फिरते हर रास्ते लेटते उठते बैठते रूह सच्चाई से झूमते दौड़ के जैसे मैं नाचते यीशु तेरी हमद करां यीशु तेरी हमद करां यीशु तेरी हमद करां यीशु तेरी हमद करां
तेरे बिना जिंदगी जे जिंदगी लगती नहीं मुझे, तेरे बिना दुनिया ये दुनिया जचती नहीं मुझे, बस इतनी सी है आरज़ू तू रहे मेरे रूबरू, बस इतनी सी है आरज़ू तू रहे मेरे रूबरू, बन जाए मंजिल तू मेरी हो जाऊँ तेरा मैं रास्ता, यीशु तेरी हमद करां, यीशु तेरी हमद करां, यीशु तेरी हमद करां, यीशु तेरी हमद करां। इस सॉन्ग मेरा ब्रदर जी ने गाया ते परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया इस सॉन्ग दे नाल, ते होर भी काफ़ी सॉन्ग मेरे जिहड़े आ रहे हैं कि नवे सिंगर वर्षी पर गा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर की ब्लैसिंग है मेरे वास्ते कि मैं कित्थे सी, परमेश्वर ने मैनू कित्थे खड़ा किया, तो मैं इस चीज़ में अपनी अपनी लाइफ के वास्ते वड्डी ब्लैसिंग समझदा वा कि परमेश्वर ने मैनू वड्डी ब्लैसिंग दे नाल है ना मैनू ब्लैस किया वा कि मैं कित्थे है ना नशियां दे विच पिया सीगा। आ मैं उन्हां लोकां दे विच ही जिहड़े परमेश्वर नू नहीं जानदे, परमेश्वर नू नहीं जानना भी एक पाप आ, भी इस पाप दे विच ही गए। तो जदों मैनू परमेश्वर ने अपने विच बुलाया तो मैं परमेश्वर ने मैनू हुण इस वड्डी ब्लैसिंग दे नाल जिहड़ा वा ओह ब्लैस किया परमेश्वर ने। अच्छा सुखा जी गल है भी हर इंसान चाहुंदा कि जदों लिखदा है उहदी रोटी रोजी भी हुंदी है, बहुत सारे गीतकार लिखदे आ भी उहनां नू चंद पैसिआं दी भी लोड़ हुंदी आ, सिंगर पैसे भी दिंदे आ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਗੀਤ ਲਿਖਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਗਾ ਬੁੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਪਰਾਚਾਰ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਸ ਭਾਈ ਇਸ ਕਲੀਸੀਆ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੁਡਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਨਕਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਮ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ, ਕੋਈ ਕਈ ਸਿੰਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬੁੱਗੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸੋਚ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਸਨ ਆ, ਉਹ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਗੀਤ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੀਤ ਲਿਖਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਜੋਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਿਹਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਾਣੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਸੌਂਗ ਨੂੰ, ਸੌਂਗ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਤਮ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗਾਣੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਅਲਮਾਰੀ ਮੈਕਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲੈਸ ਆ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈੱਟ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਸੌਂਗ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਔਫਰਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ
मसीह गीत लिख के मैं बहुत ज़्यादा ब्लैस हाँ, खुश हाँ, आनंदित हाँ इस चीज़ के न, क्योंकि जो मैं दूजे गीत लिखता हाँ तो वचन वचन के लिखा लिखा कि जो तुम बोलते हैं बाइबल लिखा तुम अपने मूँह के फलों को खाने जो तुम बोलते हैं उ ही तुम्हारी लाइफ के होंगे आप गीत लिखते रहे हैं जे सैड सोंग मर गए रुड़ गए ये हो गया वो हो गया वो सेम प्रोसीजर साड़ी जिंदगी दे विच गुजरदा कि जो अही लिखते हाँ उ डिप्रैशन दिमाग देते हुंदा हैगा उ घटी दे विच नहीं गे उ नशियां दे विच नहीं उ व्याभिचार दे विच नहीं चीज़ां जिहड़ियां वा वो घटनावां घटदियां जदों आपां लिखते हैं लिखते हैं जां गाउंदे हां दूजे सोंग फिर बाइबल दे विच लिखिया तां ना गंदा बोल ना वेख ना सुन ते ना सोच देखो जदों ही ये गीत पहले गीत आपां फिजिकल सोंग लिखते सीगे इहदे विच सारा कुछ उल्टिया उहदे विच गंदा बोलिया भी जाता वेख्या भी जाता सुनिया भी जाता तो सोचना भी पैंदा ये सारा कुछ परमेश्वर दे उल्ट आ परमेश्वर ये चीज़ा तो इस करके सानू मना कर दे। अच्छा जिवें तुसीं दस्सिया वे ब्लैस होए जॉब पैसे जिहड़े मिलते सी लेकिन प्रभु ने तुहानू होर ज़्यादा तुहानू तुहाडे बिजनेस दे विच तुसीं अलमारियां मेकर तुहाडा ब्लैस कर दिता जे परिवार की हुण गल करिए परिवार च कौन कौन ने तुहाडे मैंबर फैमिली च। मेरी फैमिली दे विच मेरी वाइफ आ मेरी बेटी आ मेरी मदर आ फादर मेरे एक्सपायर हो गए तो ये मेरी फैमिली आ बाकी मेरे आप चार ब्रदर हाँ तो वह भी आप एक ही घर रहने वैसे तो सारे एन खुश रहने सुखी रहने एक दूजे के नाल है ना प्यार दे नाल रहने गे एक दूजे की लोड़ जरूरत भी वेखते हैं अं पूरी भी करते हैं कोई गल नहीं। तो प्रभु आया कि टाइम हो गया प्रभु आया मैं 10-11 साल हो गए है जी। हाँ जी 10-11 साल हो गए जो मैं प्रभु आया सीगा आने ही मैं बपतिस्मा लिया बपतिस्मा लैन तो बाद जो मेरी जिंदगी दियां कमियां सीगियां कुछ मैं है ना कोशिश की जिदे परमेश्वर ने मेरी हैल्प की अपनी जिंदगी दियां कमियां कढ़न दे वास्ते मैं अपनी जिंदगी दियां कमियां कमजोरियां सारियां खत्म कीतियां ते अज मैं परमेश्वर दे विच ब्लैस हां। अच्छा एक होर गल बड़ी आम चर्च रहिंदी है खास तौर ईसाई धर्म लैके धर्म परिवर्तन लैके बहुत सारे अजकल मुद्दे उठ रहे हैं क्योंकि जदों ईसाई धर्म बद रहा तो रुकावटा भी कहते आदि ने बहुत सारे लोग कह देंगे ईसाई धर्म खरीदया जा रहा जी ये पैसे दे के इन्हों खरीदया जाता इन्हों इन्ने लालच दे दिता जाता ता बनाया जाते इन्हों बिल्डिंग देते इन पैसे लखा देता इस धर्म थोड़ा के इस धर्म के चलाता ये की तुम कहना चाहते हो लोगों के लिए कि संदेश की देना चाहते हो कि ईसाई धर्म का विरोध जो हो रहा है जो लोगों इल्जाम लगते हैं किन्ने झूठे ने ते की ईसाई धर्म का प्रचार जो हो रहा है लोगों के धर्म फैल रहा की वजह की है। वजह वेखो मैं तुम्हें ये चीज़ ज़्यादा वधिया क्लीयरली दसागा इस चीज़ के बारे कि जेडे लोग कहते हैं ना कि ईसाई धर्म बदलते जे आप मान लो मैं मजहबी सिख फैमिली नूं बिलोंग करदा मेरा नाम सुखजिंदर सिंह आ अज भी मेरा नाम सुखजिंदर सिंह ही आ कोई नाँ नहीं मेरा चेंज होया। दूजे नंबर दे उत्ते जे इन्हां ने जेडे लोग कहिंदे आ ना कि धर्म परिवर्तन कर लिया पहले नंबर दे उत्ते उन्हां नूं बाइबल की कोई नॉलेज नहीं ना उन्होंने बाइबल पढ़ी है बाइबल दे विच ईसाई नाम का कोई लफज नहीं हैगा उद्दे विच सिर्फ धार्मिकता दे बारे दसा जांदा कि तुसीं धार्मिकता नूं किद्दां अपनाउणा तुसीं अपनियां आदतां किद्दां छड्डनियां वा गलत आदतां किद्दां छड्डनियां। मैं ये गल कहना कि जिहड़ा बंदा किसी भी धर्म का वा मैं चलो किसी धर्म का नाम नहीं लैंदा किसी भी धर्म का वा वह जे गालां कढ़दा वा लड़ाई करदा झगड़ा करदा वा हसद क्रोध धड़ेबाजियां फुटां बिदतां खार नशे बदमस्तियां हरामकारियां जनाहकारियां जे वह बंदा करदा वा तो वह किसी धर्म का नहीं है वह भावें भेस जरा मर्जी बना ले। दूजे नंबर दे उत्ते बाइबल दे विच लिखिया लूका दी अंजील दे विच 5 अध्याय दे विच लिखिया वा कि मैं धर्मियां नूं बुलाउण वास्ते ही नहीं आया परमेश्वर ने तो धर्मियां नूं बुलाया ही नहीं अपने कोल। अच्छा इहदा मतलब है कि जे असी धर्मी हुंदे तो परमेश्वर ने सानूं अपने विच बुलाउणा ही नहीं बाइबल दे विच लिखिया मैं तो धर्मियां नूं बुलाउण ही नहीं आया तो फिर जे सानूं परमेश्वर ने अपने विच बुला लिया तो साडी अही धर्मी कित्थों हो गए अही तो धर्मी है ही नहीं तद तो परमेश्वर ने सानूं अपने विच बुलाया वा जिहड़ा बंदा मसीह दे विच आउंदा वा वह कोई धर्मी नहीं हुंदा उहदा कोई धर्म नहीं जे हुंदा जे वह धर्मी हुंदा तो परमेश्वर ने उहनूं कदी नहीं बुलाउणा बाइबल दे विच लिखिया जे बाइबल दे विच लिखिया वा कि
यहोवा परमेश्वर जे उन्हूं मेरे वाल ना खिचे किसे इंसान नूं, कोई मेरे कोल आ नहीं सकदा जद तक जिन्हें मैनू भेजिया वा वो इंसान नूं मेरे वाल ना खिचे। जदों परमेश्वर ने सानू अपने वाल खिचिया वा तो यदा मतलब कि उन्हें धर्मी समझ के नहीं सानू खिचिया, असीं पापी ही, असीं जदों आपां नहीं प्रभु नूं जाणदे आपां हर तरह के पाप करते हैं। क्यों? क्योंकि सानू पता ही नहीं कि यह पाप है, आपां अनजाणपुणे विच करी जांदे। तो बाइबल दे विच लिखिया परमेश्वर कहिंदा मैं तुहाडे अनजाणपुणे दे पापां तों अपनियां अखियां फेर लईआं वा ते मैं तुहानू अपने विच फिर तो लै लिया। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਾਪ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਛੱਡੋ ਪਾਪ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੈ ਲਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਧਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਮੰਨੇ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਸਗੋਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਪੀ। ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਝੂਮਦੇ, ਸੁੱਖੀ ਅੱਡੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਹੋਰ ਮਹਾਨ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਗੜਾ ਬੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਲੈਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ, ਸੂਰਜ, ਚੰਦਰਮਾ, ਤਾਰੇ, ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਵੱਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਲਿਸ਼ੀਆ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਿਸ਼ੀਆ ਉੱਥੇ ਝੂਮ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਕਲਿਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੂਤ ਨੱਚਣ ਡੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਬਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਨੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਅੰਕਲ ਨਰੂਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮੈਂ ਲੋਕ ਨੱਚਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਜੋ ਗੀਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, 10,000, 20,000, 50,000 ਲੋਕ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪੁਲਪਟ 'ਤੇ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਗੀਤ, ਉਹ ਪੁਲਪਟ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਕਨੇਡਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਲੈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਕਾਫੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗੀਤ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਲੈਸ ਸੌਂਗ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸੌਂਗ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਡੀਆਂ, ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਨਵੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਆਰਿਫ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤਰਜਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਾਲੀ ਗਾਈ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕਵਾਲੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਾਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕਵਾਲੀ ਕਦੀ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਵਾਲੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ
प्रार्थना की, क्योंकि हर सौग मैं प्रार्थना च ही मिलते है कि मैं प्रार्थना करता वा इन्ह गीतों वास्ते कि परमेश्वर मैं यूज कर अपनी महिमा वास्ते, तो प्रार्थना की रोजे रखे उत्तों बाद फिर परमेश्वर ने मैनू जिदन मेरे रोजे समाप्त होने ही उदन ही मैं रात एक बजे मैं कवाली जी देती ही परमेश्वर ने। हाँ जी, तो वह कवाली सी कि देखो जन्नत से कलामे खुदा उतराया है, देखो जन्नत से कलामे खुदा उतराया है, मिलके दूतों ने सना का गीत गाया है, देखो जन्नत से कलामे खुदा उतराया है। सुख जी, एक ना गीत थोड़ा बड़ा पुलपुट ते गाया जाता, खुदावंद के लोगों तालियां बजाओ, खुदा आ रहा है झूमो ना चुकाओ, वो प्लीज जो साड़ी ऑडियंस और प्लीज सारी सुनना चाहती है। वो गीत परमेश्वर ने मैनू कह के दिता कि मैं तैनू एक बहुत वधिया सौंग देना, और सिंगर से वर्शिपर दे बारे भी परमेश्वर ने मैनू कहा कि इसे वर्शिपर नू देना, किसी दूजे वर्शिपर नू नहीं देना। और सौंग परमेश्वर ने जिहड़ा मैनू दिता मतलब कि परमेश्वर ने मैनू कह के दिता कि मैं तैनू एक ब्लैस सौंग देन जा रहा। वो सौंग सीगा कि खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ, खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, ऊंचे सर से गाओ, खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ, अपने लोगों को ने आए दिलाने, दुल्हन कलिसिया को साथ ले जाने, राजा यहूदा का बर्रा खुदा का जीता है वो बंदियों को छुड़ाने, अरे नचो झूमो सारी गमियों को भूल जाओ, खुदावंद के लोगो तालियां बजाओ। अच्छा, सुख जी, अंकल नूरला मिनिस्ट्री दे खांबड़ा चर्च दे विच जिते गिलदीप ने तुहाडे इन्हां गीतां नूं आवाज़ दित्ती है, उस तों अलावा होर किहड़े किहड़े फनकार ने जिन्हां ने प्रभु दे इन्हां अनमोल बचनां नूं गीतां नूं मिठी आवाज़ दे के कलीसिया तक पहुँचाया? एक पास्टर जी खुद जिहड़े आ उह भी तुहाडे गीतां दे, जिवें पहलां दस्सिया वा, आप भी नच लैंदे ने। देखो जी, गिलदीप ब्रदर भी बहुत वधिया गाउण वाले वर्शिपर आ, परमेश्वर दे दास आ। तो उवें ब्रदर सिद्धांत ब्रदर जी भी बहुत वधिया गाउण वाले, तो बहुत है ना परमेश्वर दे विच चलण वाले आत्मिक इंसान आ। तो उन्होंने भी मेरे दो तीन सौंग गाए उन्होंने कि परमेश्वर की महिमा के वास्ते, बहुत वधिया लोगों ने प्यार दिता उन्होंने गीतों में। तो जेड़े एक गीत मेरा ब्रदर पीटर ब्रदर जी ने भी गाया, उन्होंने भी बहुत वधिया गाया, बहुत वधिया निभाया गीत नूं, ते परमेश्वर ने बहुत ब्लैस किया उस सौंग नूं। उस सौंग जिहड़े, हाँ जी, एक दो सौंग मैं तुहानूं दसदा, वो सिद्धांत ब्रदर ने जिहड़े किया सौंग, वो सीगा तुझे गिरने ना देगा, बिखरने ना देगा मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, तुझे गिरने ना देगा, बिखरने ना देगा मेरा खुदा, मेरा खुदा। गिल इन्होंने सिद्धांत ब्रदर जी ने गाया, उत्तों बाद इन्होंने पीटर ब्रदर जी ने एक मेरा गीत गाया, वो सीगा कि प्रस्तिश करेंगे झूम झूम के, वो सीगा कि बादशाहों के बादशाह की, राजाओं के राजा की, बादशाहों के बादशाह की, राजाओं के राजा की,
प्रस्तिश करेंगे झूम झूम के, प्रस्तिश करेंगे झूम झूम के, प्रस्तिश करेंगे झूम झूम के, प्रस्तिश करेंगे झूम झूम के। ये सीगा पीटर ब्रदर जी का सौग जरा उन्होंने गाया, तो परमेश्वर ने बहुत ब्लैस किया इस सौग न। इस बार जो 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया गया तो पास्टर अंकल नरूला जी खुद नचे सी पंजाब दी उन्हां बोलियां उत्ते। वह बोलियां का रचेता भी सुखजिंदर सुखा है से। आप हुण लास्ट विच जांदे वारे उन्हां कोलों बोलियां जरूर सुना गया जिन्हां दे उत्ते पास्टर अंकल नरूला जी जिहड़े कि प्रभु दे दास ने, जिन्हां ते बड़ी सामर्थ है प्रभु दी, कि वह भाजी बोलियां जरूर सुनाओ क्योंकि जिथे प्रभु दा दास नच उठा ते बाकी क्या कहण दीआं बातां, वो पंजाबी दीआं बोलियां जिहड़ियां सी आ उह जो लिखियां वो असी जरूर सुनना चाहते हैं। हाँ जी, मैं बोलियाँ तुहानू जरूर सुनावांगा। बोलियाँ वा जी, बारी बरसी खटन गया सी रूहां खट ले आया, बारी बरसी खटन गया सी रूहां खट ले आया, सानू यस्सू ने देके खून बचाया, सानू यस्सू ने धियां पुत बनाया, सानू यस्सू ने। एक सीगी बोली के यस्सू आज गया फेरा पाज गया, यीशू आज गया ओ फेरा पाज गया, दीवा दिल च प्यार दा जगाज गया, दीवा दिल च प्यार दा जगाज गया। अच्छा सुखा जी, जिवें तुसीं इन्ने गीत लिखे, इन्ने लोग उत्थे गाउंदे ने, बहुत सारे सिंगर गाउंदे ने, इत्थे तक तुहाडियां बोलियां उत्ते पास्टर साहब पास्टर जी ने खुद भंगड़ा पाया, कदे तुहानूं मौका मिलिया कि पास्टर अंकल नूला जी ने तुहानूं बुलाया होवे उत्थे, तुहाडे ते उन्होंने प्रे कीती होवे तुहानूं बुला के तुहानूं याद किया? हाँ जी, मैं दसना चाहवागा जी जरूर कि मैं थोड़ा समा होया वा परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर जू सुभ नुरला जी ने सानू बुलाया सीगा और बहुत ब्लैस बहुत प्यार किया सानू। मैं और मेरी फैमिली गए सीगे ते काफ़ी सानू प्यार दिता, साढ़े बिजनेस बारे उन्होंने सानू गाइड किया, लिखन दे बारे गाइड किया सानू, ते लाइफ बिताउन दे बारे सानू काफ़ी गाइड किया कि किद्दां तुसीं परमेश्वर दे विच चलना वा, किद्दां किवें तुसीं अपनी अपने बिजनेस नू है ना एक जगह ते उत्ते नहीं रहन देना, उहनू वधाउणा वा। परमेश्वर दे दास ने सानू काफ़ी गाइड किया ते आपां उस तरह चल रहे हां, परमेश्वर सानू ब्लैस करदे पए इस चीज़ दे नाल। तुहाडे जिहड़े गीत ने जो गाए जाते हैं या स्टूडियो विच गाए जाते हैं, उन्हां गीतां दा एक्चुअल दे विच प्रोड्यूसर कौन है जिहड़ा तुहानू उत्थे तक फेट लेके जांदा? प्रोड्यूसर जिमें ब्रदर संदीप दोसांझ जी आ, बहुत वधिया वर्शिपरां उन्होंने मौका दिता अपने चैनल दे उत्ते गाउण दा, ते मैनू मेरा जिहड़ा पहला गीत गाया गिलदी ब्रदर ने यीशु तेरी हमद करां, उहदा प्रोड्यूसर भी संदीप दोसांझ जी आ। हुण जिहड़े मेरे गीत आ पाकिस्तान तो जिहड़े ब्रदर गाउंदे पए हैगे आर भट्टी जी, उन्हां दे प्रोड्यूसर भी जिहड़े आ संदीप दोसांझ जी आ, बहुत वधिया परसन आ ते बहुत वधिया साडे नाल उन्हां दा एक रिश्ता बणिया वा, ब्रदर वाला रिश्ता बण गया, कोई गल नहीं।